प्रदेश में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खोलने को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है, जिसके संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADG जोन दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, DIG रेंज राजेश डी मोडक, जिलाधिकारी के विजय पांड्यन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, AD हेल्थ डॉक्टर JM त्रिपाठी, CMO डॉक्टर SK तिवारी, ADM फाइनेंस राजेश सिंह, CEO गोरखनाथ परवीर कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया कि धार्मिक स्थल स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सभी निर्देशों का पालन करेंगे। धार्मिक स्थल में एक बार में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर रखा जाना अनिवार्य होगा। जिन लोगों में कोरोना का लक्षण नहीं पाया जाएगा उन्हीं को धार्मिक स्थल के अंदर प्रवेश मिलेगा। साथ ही सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी। प्रसाद वितरण नहीं होगा। इसी के साथ शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए जारी गाइडलाइंस में CCTV काम करने चाहिए। सभी का थर्मल स्कैनिंग और अल्कोहल वाला सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। जिन लोगों में कोरोना का लक्षण नहीं पाया जाएगा सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी। किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ा जा सकता है। होटल या रेस्टोरेंट में भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेंगे। फूड कोर्ट या रेस्टोरेंट में 50% क्षमता में ही ग्राहक बैठाए जा सकते हैं। बिल देने में कैशलेस ट्रांजैक्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए। डिस्पोजेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाए जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। भारत सरकार की गाइडलाइंस के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूव करके आज उनको सभी अधिकारियों को भेज दिया गया और SPs को ईमेल हो गया है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दिया गया है। आई होप सबको ने देख लिया होगा और इस मीटिंग से आने से पहले उनको पढ़ के समझ भी लिया होगा। इस गाइडलाइंस में 5 हिस्से हैं और 5 हिस्सों में धार्मिक स्थल यानी पूजा स्थल, कार्यालय, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट को 3 को एक साथ कर दिया गया है। सर्वप्रथम इन गाइडलाइंस में ये 8 जून से लागू होंगी। इनमें रोकथाम के सामान्य उपाय किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि जो 65 वर्ष के ज्यादा के लोग हैं, जो कोमॉर्बिडिटी वाले व्यक्ति हैं यानी जो आए हैं, जो संक्रमण और खतरों के लिए जन स्वास्थ्य संबंधी उपाय है, COVID-19 के उपाय है, उनका पालन। आज भी मैं देख रहा था, मैं निकला था शहर में, कुछ हिस्सों में कहीं कहीं मुझे देखने को मिला कि कुछ बच्चे, कुछ नए लड़के फेस मास्क नहीं पहने हुए थे। तो मैं इसलिए कमेंट करना चाहूंगा कि फेस कवर और फेस मास्क को 100% इंश्योर करना है। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी, भवन, धार्मिक स्थल या फिर कार्यालय या फिर मॉल, होटल और रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर जरूर रहना चाहिए। इसका अनिवार्यता इसकी शुष्काचार है यानी सांस कैसे लेना है, छींकना नहीं है। छींकना अगर है तो टिश्यू पेपर में या रुमाल में छींकना है और जो भी टिश्यू पेपर और बाकी चीज है कैसे डस्टबिन में डालना। एक्टिव है ये हेल्पलाइन 1800-180-5145, इसका अवश्य इस्तेमाल हो यदि किसी की रिपोर्टिंग करनी है। थूकना जो है एक अभ्यास है, हम ये सुनिश्चित करें कि थूकने की प्रथा ही खत्म हो जाए तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगी। आरोग्य सेतु ऐप, आयुष कवच कोविड ऐप, कोविड प्रेरित खाने और पूजा स्थल खोले जा सकते हैं। ये खोले जा सकते हैं, स्ट्रेस किया जा रहा सभी धार्मिक स्थलों के लिए ये निर्देश भी है कि इनको खोलने से पूर्व जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण धार्मिक स्थलों के प्रबंध से जुड़े लोगों से संवाद स्थापित करके सभी सावधानियां सुनिश्चित करेंगे। ये बिंदु और महत्वपूर्ण है कि धार्मिक स्थल में अंदर एक जगह पर 5 से अधिक श्रद्धालु न रहे। कोशिश ये रहे कि एक जगह 5 से अधिक श्रद्धालु न रहे। सैनिटाइज अंदर में पोस्टर, स्टैंडिंग और माइक्रोफोन, PA सिस्टम जरूर चालू रहे जिससे हर वक्त लोगों को प्रचार इस बात का होता है कि कोविड से कैसे बचाव किया जा सके। भीड़ भाड़ अवॉइड हो, लाइनें इस तरह से लगाई जाए कि भीड़ ना हो,
जगह पर 5 से अधिक व्यक्ति ना हो, परिसर के बाहर पार्किंग स्थल पर भी भीड़ भाड़ ना हो, और साथ साथ जो वहाँ पर दुकानें बड़े मंदिर परिसरों में दुकान और स्टॉल आदि होती हैं, चाय की दुकानें होती हैं, वहाँ पर भी भीड़ भाड़ ना हो, प्रवेश और निकास के अलग अलग आने जाने के रास्ते हो, एसी का जहाँ भी उपयोग हो, जिन भी भवन में हो उनमें ये सीपीडब्ल्यूडी की गाइडलाइंस में है कि 24 से 30 डिग्री तक रहेगा और ठंडा ना किया जाए, 40 से 70 डिग्री की ह्यूमिडिटी रहेगी और फ्रेश एयर। एसी में दो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, एक इंटरनल एयर का होता है, एक फ्रेश एयर का होता है। फ्रेश एयर का सिस्टम जरूर ऑन रहे जिससे कि फ्रेश एयर आती रहे, संक्रमण के चांसेस कम रहे। धार्मिक स्थलों में कोई किसी को छुए, चाहे प्रतिरूप हो, मूर्ति हो, ग्रंथ हो। इसके अलावा धार्मिक स्थल में जो है सफाई और मटेरियल अनावश्यक रूप से ना हो, निश्चित रहे। संगीत वगैरह जो भी हो वो स्पीकर से हो, लोग इकट्ठा होकर गायन न बजाएं, ऐसा भीड़ ना हो। मैट आदि इंडिविजुअल मैट